वहीं भोपाल को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात देंगे। भोपाल में गोवर्धन प्लांट का भूमि पूजन आज होगा। शाम 6 बजे सीएम शिवराज भूमि पूजन करेंगे। 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे सीएम। अमृत योजना के तहत लोकार्पण होगा। गोवर्धन प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। सहस्रबाहु ब्रिज का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री को आज करना है। तो बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है और 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण भी होगा। अमृत योजना के तहत ये पूरा कार्यक्रम, सहस्रबाहु ब्रिज का भी शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करेंगे। गोवर्धन प्लांट का भूमि पूजन आज होगा। शाम 6 बजे पूरा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें जनता को सौगात मिलेगी। 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री को आज करना है। अमृत योजना के तहत लोकार्पण इसका होगा। सहस्रबाहु ब्रिज का भी शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। तो भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी नितेंद्र शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम है और भोपाल वासियों को क्या कुछ फायदा होगा इन तमाम योजनाओं के जरिए? देखिए, आज कोलार क्षेत्र को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ कर रहे हैं, साथ में वहाँ एक ब्रिज बड़ा बना हुआ है, सहस्रबाहु ब्रिज जो है उसका शुभारंभ करने वाले हैं। तो आज स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो कोलार जो है वो इस समय भोपाल में एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है और वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पर चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, यहाँ वहाँ पर जो है ट्रैफिक की समस्या हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएँ जो हैं वो कई दिन से चल रही थी। तो मुख्यमंत्री ने आज जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है शाम को रखा है और आज भाजपा का स्थापना दिवस है, इसलिए आज मुख्यमंत्री कुछ इस तरीके के कार्यक्रम जो है तैयार किए गए जिसमें युवा संवाद का कार्यक्रम था। और अब जो है वो भोपाल की जनता को कैसे सौगात मिल सके इसको लेकर जो है वो एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और इसमें कोलार क्षेत्र की जनता को सर्वाधिक लाभ होगा। बिल्कुल, और इंदौर के बाद अब भोपाल में भी बार बार ये मांग उठती है कि कैसे यहाँ पर साफ सफाई बढ़ाई जाए, कैसे यहाँ पर जो गंदगी है उसका सही निस्तारण हो, उस दिशा में कितना अहम हो जाते हैं प्रोजेक्ट? देखिए, स्वाभाविक रूप से क्योंकि केंद्र सरकार की जो अमृत योजना चल रही है उसमें जो राज्य सरकार को फंड दिया जा रहा है उसमें यही बहुत सारी चीज़ों को लेकर फंड मिल रहा है। उसमें यह भी एक है कि शहर में जो है वो जो सीवेज की जो व्यवस्था है वो ठीक हो, तो उसको लेकर जो है वो जो फंड मिलता है उस अमृत योजना का जो है, क्योंकि देखा जाए तो इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों की राशि है और इंदौर जो है वो काफ़ी मामलों में भोपाल से आगे निकल चुका है। अभी इंदौर में भी जो है वो एक गोवर्धन प्लांट का जो है वो शुभारंभ हुआ था, आज भोपाल में भी एक शुभारंभ हो रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो स्वाभाविक रूप से कैसे करके जो है वो शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा सके इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है और इसलिए अमृत योजना में जो फंड मिल रहा है उसमें सेंट्रल का भी शेयर होता है, स्टेट का भी शेयर होता है, उनसे मिलकर ये काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका नितेंद्र जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका फायदा आम लोगों को मिलने जा रहा है। 6 बजे ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और गोवर्धन प्लांट का भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे। इससे तमाम वर्गों को काफी ज्यादा फायदा होगा।